दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया के कुछ ऐसे अजीबो गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर कुछ अलग करने का जुनून सवार होता है, और आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करा के लाखों रुपये कमा लिए। जोनाथन ली रिचेज ये दुनिया का अजीबो गरीब इंसान है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमे लड़ने वाला इंसान भी कहलाता है। इसने सबसे पहला मुकदमा तो अपने माँ के खिलाफ ही दर्ज करवाया। इसका कहना था कि इसकी माँ ने इसकी पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं की है, और वह केस ये जीत भी गया। उसे $20,000 मुआवजे के तौर पर भी मिला। ये यही नहीं रुका, इसने अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, पुलिस, जज, यहाँ तक कि जॉर्ज बुश पर भी मुकदमे किए। अलग अलग अदालतों में उसकी तरफ से दाखिल किए गए मुकदमों की संख्या 2600 के करीब है, जिसके चलते उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया। फिर क्या, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के खिलाफ ही मुकदमा ठोक दिया। इसका कहना था कि इसके इजाजत के बिना उसकी जाति जिंदगी के संबंध में क्यों लिखा। मुआवजे के तौर पर अब तक करीब ये $800,000 तक जीत चुका है। इसे एक बार एक टीवी शो में बुलाया गया जिसमें इसने शो वालों से ये सवाल किया कि क्या वजह है कि इतनी शोहरत के बाद भी मैं अकेले जिंदगी गुजार रहा हूँ और कोई भी मुझसे प्यार करने वाला नहीं है। टीवी शो वाले इस बात पर हंस पड़े और काफी देर तक हंसते रहे। फिर क्या, उसको गुस्सा आ गया और टीवी शो छोड़कर उठा और अपने बेइज्जती के लिए टीवी चैनल पर ही मुकदमा कर दिया। इसके खिलाफ आप भी कोई गलत कमेंट मत करना, वरना ये आप पर भी केस ठोक देगा। दोस्तों किसी के शरीर में अगर कोई अंग कम या ज्यादा हो जाए तो हमारे देश में लोग या तो उसे परेशान करने लगते हैं या फिर उसकी पूजा। दोस्तों ओडिशा के गंजम जिले में ऐसा ही एक महिला है जिन्हें लोग चुड़ैल कहा करते थे, आज उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। ओडिशा के गंजम जिले में रहने वाली इस महिला का नाम नायक कुमारी है। 63 वर्षीय नायक कुमारी के पैरों में 19 और हाथों में कुल 12 उंगलियां हैं, यानी कुल मिलाकर 31 उंगलियां हैं। इन्हीं उंगलियों के आधार पर नायक कुमारी को गिनीज बुक में जगह मिली है। नायक कुमारी जिस गांव में रहती है वहां के लोग उसके आसपास भी नहीं आते थे। उनकी उंगलियों की वजह से लोगों ने उसे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसे गांव से भी बाहर निकाल दिया था। अगर वो किसी के पास भी जाती थी तो लोग उसे मारने पीटने लगते थे। नायक कुमारी गाँव से बाहर एक झोपड़ी में रहती है और गरीब होने की वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करा पाए। विज्ञान की भाषा में इस बीमारी को पॉलीडेक्टियली कहते हैं। ये बेहद ही सामान्य बीमारी है। यह बीमारी 5000 लोगों में से किसी एक को ही होता है। गिनीज बुक में नाम आने के बाद नायक कुमारी की गरीबी कम हो सकती है। सरकार के तरफ से भी अब उनकी मदद करने की घोषणाएं की जा रही है। दोस्तों अपने लोगों को कीबोर्ड पर काफी तेजी से टाइपिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन भारत के खुर्शीद हुसैन ने नाक से कंप्यूटर पर सबसे तेज टाइप करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। कुछ लोग तो हाथ से भी अच्छे स्पीड में टाइपिंग नहीं कर पाते। ऐसे में नाक से टाइपिंग करना कितना मुश्किल है इस बात का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। खुर्शीद हुसैन ने कुछ ही सेकंड में 100 से भी अधिक कैरेक्टर टाइप करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। दोस्तों क्या आपने कहीं ऐसा प्याज देखा है जिसको दोनों हाथ से भी उठाना मुश्किल हो? आपको जरूर ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन टीनो ग्लोवर नाम का यह ब्रिटिश व्यक्ति सबसे बड़ा प्याज उगाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुका है। इन्होंने एक साधारण प्याज से 25 गुना बड़ा प्याज उगाकर रिकॉर्ड बनाया है जिसे अब तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। इस तस्वीर में जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये कोई आम हस्ती नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैटू गुदवाने का किताब इसी बंदे के नाम है। इसका नाम लकी डायमंड रिच है। न्यूजीलैंड में पैदा हुए लकी का पहले नाम ग्रेगोरी पॉल मैकलरन था। बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर लकी डायमंड रिच कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेबसाइट के मुताबिक इन्होंने अपने पूरे शरीर में टैटू गुदवा रखे हैं, जिन्हें गुदवाने में उन्हें कुल 1000 घंटे से भी ज्यादा समय लगा। लकी ने अपने पलकों और कान के कई अंदरूनी हिस्सों पर भी टैटू गुदवा रखे हैं। से वो एक परफॉर्मर है। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने सर्कस ज्वाइन कर लिया था। वो बताते हैं कि जब मैं बच्चा था तब मैं गिनीज बुक को देखकर सोचता था कि ये कितना अमेजिंग होता होगा इसमें अपना नाम दर्ज करवाना। अब काफी अच्छा लगता है कि यंग लोग मुझे पहचानते हैं और मेरे साथ फोटो भी खिंचवाते हैं।